अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 7 पाठाचे नाव आहे बदलणं म्हणजे. आज आपण परिच्छेद क्रमांक 3 व भाग क्रमांक 3 पाहणार आहोत. आपण पाहिलं भाग 2 मध्ये की शुद्ध हवेत फिरून यावं म्हणजे जरा बरं वाटेल इथपर्यंत आपण पाहिलं. आता परिच्छेद क्रमांक 3 पाहणार आहोत. थंडी दूर पडाली होती आणि उष्मा वाढू लागला होता. थंडी जो है निकल चुकी थी और धूप बढ़ चुकी थी, गर्म होने लगा था. दिवस ही मोटा झाला होता और दिन बड़ा हो चुका था. सायंकाळ झाली तरी सगळीकडे लख उजेड होता. हिवाळ्यात आक्रसलेली झाडे वेली उन्हाच्या कडकपणामुळे तापू लागल्या होत्या. अरे दिन भी जो है बड़ा हो चुका था, शाम का वक्त हो चुका था, मगर फिर भी लख याने उजाला ही था. हिवाळ्यात आक्रसलेली झाडे याने थंडी के अंदर जो सूखी हुई झाड़ थे, सूखे हुए झाड़ थे और जो बेल थी वो भी धूप से गरम होने लगे थे. काही झाडांची पानगळ सुरू झाली होती और कुछ झाड़ों की जो है झाड़ों के पान जो है गिरने लगे थे. झाडांचे खराटे दिसू लागले होते, यानी झाड़ के खराटे बोले तो जो दरख्त थे उनके पत्ते झड़ जाने की वजह से जो सिर्फ काड़ियाँ नजर आ रही थी इसलिए जो है वो खराटे की तरह नजर आ रहे थे. त्यांच्या वेड्यावाकड्या फांद्यांची नक्षी वेगवेगळे आकार घेऊन फिरत होती और वो जो उनकी पत्ते जो थे, दरख्त के पत्ते जो थे वो गिरने की वजह से उनकी जो टहनियाँ थी वो किधर तो भी यानी टेढ़ी टेढ़ी नज़र आ रही थी और अजीब नज़र आ रही थी. वाऱ्याच्या फेऱ्याबरोबर धूळ पाचोळा भिरभिरत होता. दुपारचा उकाडा कमी झाला होता और याने जो पान थे, पत्ते थे जो झाड़ों से दरख्तों से गिरे हुए वो हवा के जरिए वो उड़ रहे थे, भिरभिर कर रहे थे. जिस तरीके से आंधी आती है और वो पत्ते गोल घूमते हुए कहीं पर भी चले जाते हैं, उसी तरीके से धूल और सब तरफ फैल रही थी. दोपहर का उकाड़ा कमी झाला होता, यानी दोपहर के जो गर्मी थी वो उस हवा की वजह से थोड़ी कम हो चुकी थी. सुखत वार फिरू लागलं होतं और थंडी हवाएं थोड़ी थोड़ी चल रही थी. काही दिवसापूर्वीच हिवाळा कुठल्या कुठं गायब झाला होता और कुछ दिन पहले ही ये जो थंडकाला था, थंडी थी वो कहीं गायब हो चुकी थी. प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर रुकते हैं. अल्लाह हाफिज़.